महाराष्ट्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र में अलग अलग योजनाएं लाई जा रही हैं, जो काफी सफल भी साबित हो रही हैं। चाहे वो लाडली बहन योजना हो, लड़का भाऊ, महिलाओं के लिए बस में 50% की छूट या फिर कोई दूसरी योजना, इन योजनाओं के जरिए आम जनता को इसका फायदा जरूर मिल रहा है। लेकिन जिन विभागों में ये सुविधा महाराष्ट्र सरकार की तरफ से दी जा रही है, उन विभागों में काम करने वाले कर्मचारी महाराष्ट्र सरकार से नाराज हैं। 1989 में रुजू हुआ, 2019 में रिटायर हो गए। 29 साल 6 महीना सर्विस किया। इन लोग का ये फाउंडेशन का है, मैं इन लोग का पूरी राजनीति में जानता हूँ। ये लोगों की ये 2009 से इन लोग ने पैसा कर्मचारी का रखा है, हर वर्कर का थक बाकी रखे ला, ये दे नहीं पा रहे। 2009 में इन लोग ने बंगार बेचा, जूना बस स्क्रैप में निकाला वो बेचा, क्यों वर्कर के नाम से उनको पैसा देने गए, वो अभी तक पैसा नहीं दे। ये लोग ने क्या किया, किधर खाया मालूम नहीं। हर साल यहाँ से अनुदान लेते वर्कर को थकी देने के बारे में, तो इन लोग उधर रख रंगोटी करते, टेंडर का बिल काटते, यहाँ कमीशन खाने का इनका धंधा है। इसी के कारण कभी सफाई कामगार, कभी ST कर्मचारी, कभी आशा वर्कर्स महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ आंदोलन करते हुए नजर आते हैं। पैर हो गए, आज पैसा मिलेगा, बहुत पैसा मिलेगा, लेकिन पैसा मिला नहीं। मेरे आदमी बहुत बीमार थे, पैसा मिला, उनको LID करके बीमारी थी, 2400 ऑक्सीजन में थे, 4 महीना मुदत दी थी। मैं एक बार आयुक्त साहब को मिली थी जनवरी में, तो मेरे को मिले नहीं। बहुत कोशिश किया मेरे आदमी ने, रोज़ पैसा मिला कि अपने को पैसा मिलेगा। अगर मेरे आदमी को टाइम से पैसा मिल जाता तो मेरा आदमी आज जिंदा रह सकता था। आयुक्त साहब बोलते आप लोग को ऐसा निमित्त ये मिल जाता तो ये हो जाता। आप स्कूल में जाते हो, अभी अपने बच्चे स्कूल में, तो आप अभी स्कूल चालू हो गए तो क्या करेंगे? अभी स्कूल का ही है करेंगे कि आप स्कूल के बच्चों का खाली यूनिफॉर्म लेंगे, अपने को कपड़ा लेंगे का नहीं? ऐसा ही हमारा पैसे का है, ऐसा वो बोल रहे। तुम लोग को खाली पैसे का ही है चाहिए, मतलब मिलेगा लेकिन तुम लोग ये करेंगे तो नहीं मिलेगा। बेस्ट वाले को मिला, सब महानगर पाले वालों को अपना से, वो लोग सब हफ्ता बरोबर देते हैं निवेदन, तो हमको क्यों नहीं मिलना चाहिए अपना समान अधिकार? और अभी इसी कड़ी में ठाणे परिवहन सेवा के रिटायर्ड कर्मचारी भी जुड़ गए हैं। इन कर्मचारियों का कहना है कि इन योजनाओं के चलते सरकार लॉस में जा रही है और उसका भुगतान हम कर्मचारियों को करना पड़ रहा है, क्योंकि हमें वक्त पर पेंशन मिल नहीं पाता है और सालों की हमारी थकबागी और प्रोविडेंट फंड रुका हुआ है। चालक भाग जो भी कर्मचारी है हमारे साथ भावबंद है और ये हमारे साथ भाभी लोग हैं, तो क्या हो गया उसके अंदर? जितनी सेवा की है, 33 साल किसने की है, किसने 35 साल सेवा की है, उस सेवा का तो फल मिलना चाहिए हमें, हमें उस सेवा का फल मिल नहीं रहा है। और ऊपर से हम लोग को जो प्रशासन थकावट दे रही है, आज देता हूँ, कल देता हूँ, परसों देता हूँ, पर क्या देते हैं, 4,000, 5,000, 10,000, उसके ऊपर कुछ पैसे देते नहीं हम लोग को। पेंशन मिलती है वो भी टूटी फूटी करके देते हैं वो लोग, और जो ऊपर से पैसा आता है 5 करोड़ की जो हम लोग को देने वाले थे वो भी नहीं मिल रहा है। ये कंडीशन में हम लोग अपनी फैमिली कैसे कच्चे से चलाएंगे, कैसा परिवार चलाएंगे, किस तरीके से घर चलाएंगे? ये अपने अपने स्कूल में बच्चे को लेके जाते, फी नहीं भर पाते फीस। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, जिन्हें गुरु मानते हैं, यानी स्वर्गीय धर्मवीर आनंद दिघे, इनका सपना था कि ठाणे परिवहन सेवा देश में सबसे अव्वल दर्जे की परिवहन सेवा बने, लेकिन आज वक्त ऐसा आ गया है कि ये सपना टूटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ठाणे परिवहन सेवा की हालत दिन ब दिन बद से बदतर होती जा रही है। 3 से इसमें लगा था, मैं ड्राइवर में था ठाणे परिवहन सेवा में, और अभी मेरे साथ में यहाँ नहीं बोला तो भी 1001 लोग रिटायर हो गए, 1000 से 1100 लोग रिटायर हो चुके हैं, क्योंकि जिनका उम्र 58 हो गया वो रिटायर हो चुके हैं। तो अभी उनको जो रिटायर होने के बाद खाली PF का चेक देते, जो अपना पैसा जमा होता है उतना ही देते, बाकी बोलते आपका हिसाब जब भी पैसा आएगा देंगे। अभी पैसा कभी आएगा और कभी मिलेगा? आज ऐसा बात सुनते सुनते, मैं मार्च 2021 को रिटायर हुआ, आज 4 साल पूरा कंप्लीट हुआ, अभी तक मेरा पैसा मिलेगा नहीं। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ठाणे परिवहन सेवा में काम कर चुके सेवा निर्मित कर्मचारी कह रहे हैं। इनका कहना है कि कुछ अधिकारियों की लापरवाही के कारण 2016 से लेकर आज तक इनका प्रोविडेंट फंड रुका हुआ है। इसी का निषेध करने और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मदद की आस लगाकर ठाणे परिवहन सेवा के सेवा निर्मित कर्मचारियों ने मिलकर ठाणे महानगर पालिका के बाहर आंदोलन किया। इन कर्मचारियों का कहना है कि 15 सालों से कर्मचारियों की पेंशन रुकी हुई है। कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जो पेंशन का इंतजार करते करते इस दुनिया से रुख्सत हो गए। 4 साल से रिटायर हो गए हैं,
और अभी तक उनका कुछ ये थक बाकी वगैरह कुछ नहीं मिला है। 2 महीने के पहले ना आत्मदहन का ये किया था मेरे आदमी ने, तो क्या किया उनको ये रुका के 1 महीने के अंदर तुम्हारा सब हिसाब निकालता है, तुम ऐसा कुछ मत करो, ऐसा बोल के उनको ये कर दिया। और अभी 3 महीना हो गया, कुछ नहीं, पैसा नहीं, कुछ नहीं। और मिलने को आते तो आयुक्त साहब मिलते भी नहीं, जब 4-4 तास बैठ के घर पे जाना पड़ता है, तो हम किसके पास जाने का। हाँ, BST को मिल रहा है, अपना ST महामंडल को मिल रहा है, हाँ सब मिल रहा है, गवर्नमेंट को सबको, तो ये थाना परिवहन सेवा को क्यों नहीं मिल रहा है। और उनके हक के लिए उनके बच्चे और पत्नी को लड़ना पड़ रहा है। कर्मचारियों का कहना है कि महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक सभी जगह इन लोगों ने पत्र दे दिया है, लेकिन फिर भी प्रशासन ने इनकी मदद नहीं। इन समस्याओं से तंग आकर कुछ कर्मचारियों ने आत्महत्या तक करने का प्रयास किया है। इन कर्मचारियों की मांग है कि जल्द से जल्द उनकी रुकी हुई थकबाकी और पेंशन सरकार उन्हें दे, वरना आने वाले वक्त में सभी कर्मचारी मिलकर एक बड़ा आंदोलन करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़।